नमस्कार, आज हम बनाएंगे प्याज के पराठे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ नॉर्मली मैंने आटा लगा लिया है, जैसे रोटी का हम लगाते हैं गेहूं का। और यहाँ मैंने 3 प्याज लिए हैं जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया। इसमें मैंने 2 हरी मिर्च ऐड कर दी और साथ में हरा धनिया। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ ऐड किया मैंने अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें अभी हम नमक ऐड नहीं करेंगे, नमक हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। और जो आटा था इसकी हम गोले बना लेंगे, हम छोटे छोटे जिस साइज के हमें पराठे बनाने हैं। इस तरीके से साइज आप अपने हिसाब से कैसा भी रख सकते हैं। और ये मसाला तैयार है और गोले मैंने सारे बना लिए, एक साथ उनको ढक के रख दिया। इसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है और इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसको बेलेंगे सूखा आटा लगा के। इसको हमें बिल्कुल थोड़ा सा बेलना है, बस इस साइज में। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे, घी या तेल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। और इस तरीके से हम इसको पैक करेंगे बिल्कुल। इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे और हाथ को हम इस तरह चलाते हुए इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे ताकि जो स्टफिंग है इसके अंदर वो अच्छे से फैल जाए। इसके बाद में हम इसे बेलेंगे और ये थोड़ा थोड़ा फट जाता है बिल्कुल, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। प्याज के पराठे हैं वो ऐसे ही बनते हैं। और साइज आप अपने हिसाब से कैसा भी रख सकते हैं। यहां मैंने तवा है वो गर्म कर लिया है और इस पे हम पराठे को ऐड कर देंगे। और इस तरीके से हम इसे सेक लेंगे। इस पे हम थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे। घी हमें दोनों साइड लगाना है और दोनों साइड से फिर हम इसे सेक लेंगे। और फ्लेम मैंने अभी लो की हुई है। आप देख सकते हैं पराठा है वो बिल्कुल बन गया है, अच्छे से पक गया। हमारा जो पराठा है वो बनके तैयार है। आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस पर बटर लगा के आप इसे एंजॉय करें। धन्यवाद।